बीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बीजेपी को यूपी में वोट नहीं देने की अपील की है। हालांकि मुकेश सहनी की पार्टी बिहार में बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है। 90% तक अनुदान मछुआरा समुदाय को दे रहे हैं। अब मजबूती से हम बिहार में सरकार में हैं और सब समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के साथ उपेक्षा हो रहा है। अब मजबूती से उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का लड़ाई एक ही है कि निषाद को आरक्षण दिलाना, और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन चला जिसमें हमारे अखिलेश निषाद जी शहीद भी हुए, और उसके दम पर उत्तर प्रदेश में कुछ लोग नेतृत्व कर रहे थे, डॉक्टर संजय निषाद जी वो नेता बने, और आज देखिए कि वो कहीं ना कहीं अपने एजेंडा को भूल गए और कहीं ना कहीं वो आज समाज को छोड़कर आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं। फिलहाल उनके बारे में ज़्यादा विशेष हम नहीं बात करेंगे। मजबूती से हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और निषाद समाज के हक अधिकार की लड़ाई जैसे हम बिहार में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार के निषाद एक पैर पर खड़ा होंगे और 24 से पहले आरक्षण लेंगे। अभी हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, हर एक सीट पर जा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहां पे एक ही नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, कि नारा को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, और वहां पे हम अपने प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान कर रहे हैं। जहां हम लोग नहीं लड़ रहे हैं वहां पे समाज के लोगों को, पार्टी के लोगों को एक ही संदेश दे रहे हैं कि आपका जो नारा था आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वो नारा के साथ आप उत्तर प्रदेश में काम करें, ताकि ये सरकार 2022 में सरकार से बाहर निकलेंगे तब 2024 में ये सोचेंगे कि ये निषाद समाज हमसे कट चुका है और आपके लिए बेहतर सोचेंगे और 2024 से पहले आरक्षण करेंगे। तो हमारा एक ही उद्देश्य है पूरे प्रदेश में कि खास करके बीजेपी को हराने का काम करें, और जो वहां पे जीत सकता है, जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, वहां पे जो मजबूत प्रत्याशी होगा उनको समाज लोग सोचे और उनको वोट करे, बीजेपी को वोट ना करे, ये हम आह्वान के साथ पूरे प्रदेश में काम करें। अब मजबूती से समाज साथ भी है और इसका परिणाम जो है पूर्वांचल में देखने के लिए मिलेगा, 10 तारीख को रिजल्ट जब आएगा। उस्ताद आपत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है, तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।